छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शिक्षा विभाग में घोटाले को लेकर आरोप लगाया है। 4330 स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन के लिए मंगाई गई निविदा में विशेष कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। समग्र शिक्षा के नियमों को दरकिनार कर जारी की गई है निविदा, शर्तें विशेष कंपनी बेनेट को फायदा पहुंचाने के लिए रखी गई है। डिजिटल एजुकेशन के नाम पर सरकार पर करोड़ों के घोटाले का आरोप भी लगा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री और जेसीसी के सुप्रीमो ने यह आरोप लगाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर। हेमंत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमंत, प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या बोले जोगी? हाँ देखिए राजकुमार, सबसे पहले तो इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में भी चर्चा हुई थी। जो विधायक हैं केशव चंद्रा और देवव्रत सिंह, इन्होंने सदन के माध्यम से इसमें चर्चा करने की मांग की थी। हालांकि ये जोर शोर से विधानसभा में यह मुद्दा नहीं उठ पाया था। इस बात को खुद सुप्रीमो अजीत जोगी ने स्वीकारा है और कहा कि यह मुद्दा विधानसभा में उठना चाहिए था, लेकिन इस मुद्दे को हम उठा नहीं पाए। उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप लगाया है कि जो 4303 स्कूल हैं, उसमें डिजिटल एजुकेशन के लिए जो निविदा मंगाई गई थी, उसमें विशेष कंपनी को फायदा पहुंचाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो मुख्यमंत्री के करीबी अधिकारी हैं, उस अधिकारी के करीबी के जो कंपनी है उसको निविदा दी गई, और जो अनुभवहीन कंपनी है उसको पूरा टेंडर दे दिया गया। इसके अलावा उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि मुख्यमंत्री को बिना विश्वास में लिए उनसे उद्घाटन करा लिया जाता है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो ये सब बातें उनको नहीं बताते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी वो शिकायत मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से पत्र लिखकर करेंगे और जांच की भी इसमें मांग वो करेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है।